कागजात नहीं है, सिर्फ जेवरात भी हैं, तुम्हारी मामा के जेवरात, जिन पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। रुतबा तुम्हारी मामा ने वो तुम्हारे लिए रखे होंगे ना, बस तुमने किसी भी तरह से मामू के कमरे से वो जेवरात अपने पास लेके आने हैं। उनकी खुशबू को महसूस करना चाहती थी। देख लिया, अब ऐसा लग रहा है कि मैं माँ के गले लगकर रोई, उनके सीने की खुशबू को महसूस किया है मैंने। कुछ नहीं कर सकी ना आप मेरे लिए मामा, इस जश्न के शोर में मेरे जज्बात दफन होते जा रहे हैं, और जब ये जज्बात दफन हो जाए ना, तो इंसान ना जिंदा में रहता है और ना मुर्दों में। इस तकलीफ को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है सर, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, रुतबा को इस घर की दहलीज पार नहीं करने दो, चाहे इसके लिए मुझे अपनी लाश ही क्यों ना बिछाए। चल शक्ल सही करो और मुस्कुराओ, दिखावे के लिए सही कुछ तो होना पड़ेगा ना बेटा। कितनी खुशकिस्मत है ना रुतबा, तुम्हारे जैसा लविंग लाइफ पार्टनर मिल रहा है उसे। काश वो तुम्हारी कदर भी कर सके। दिलो जान से चाहती है मुझे वो, क्या किसी को इतना चाहना भी कम है क्या? लेकिन मोहब्बत प्रूफ मांगती है अल्तमश, कितनी मुश्किल से तो तुमसे निकाह पे राजी किया उसे, तुम्हारी मोहब्बत की कसमें देनी पड़ी मुझे उसे, तब जाके मानी। वैसे भी उसने तो हमेशा मामू के खौफ को तुम्हारी मोहब्बत पे फौकियत दी है। मेरी मोहब्बत को वो हर चीज से ज्यादा अहमियत देती है, कई दफा आजमा चुका हूं उसको, अगर वो मेरे कहने पे मामू की जमीनों के कागजात और अपनी माँ के जेवरात भी लेकर आ जाए, तब भी कुछ शक बाकी रहेगा? काश जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रुतबा ऐसा कर पाएगी। मामू का खौफ उसे करने नहीं देगा। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा ही हो। इतना अंधा एतमाद भी इंसान को ले डूबता है। अगर रुतबा खाली हाथ आई तो तुम सह नहीं पाओगे।
जब इंसान हद से ज्यादा सोचने लगता है ना तो जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है। तो फिक्र नहीं करो, जाओ नाचो गाओ ढोल बजाओ तालियां बजाओ, रुतबा तो अल्तमश की होके रहेगी। सारी दुनिया इस जश्न को देखे। ख्याल रहे, अगर रुतबा वहां से खाली हाथ लौटी ना तो इन्हीं तालियों की गूंज तुम्हें थप्पड़ की गूंज की तरह सुनाई देगी। कल रुतबा की शादी है बेटा, और तुमने कोई नए कपड़े भी नहीं बनाए, मुसलसल काम में लगे हुए हो। मुझे तो डर है कहीं बीमारी ना पड़ जाओ। मुझे तो खालू की फिक्र है अम्मा, इतना बड़ा सदमा वो खामोशी से झेल रहे, उन्हें तो खौफ आता है कुछ होना जाए। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो। पहाड़ मौसमों की सख्ती झेल कर अपनी जगह पर डटे रहते हैं, लेकिन इंसान तो पत्थर नहीं है, कभी ना कभी टूट के बिखर ही जाता है। लेकिन फिर ये उनकी बेटी की मोहब्बत ही है जिन्होंने खालू के वजूद को अभी तक समेट के रखा हो। रुतबा ने भाई साहब को सदमा भी तो बहुत बड़ा दिया है। उसने एहसान भी बहुत बड़ा किया अम्मा, इस घर की बुनियादें हिल जाती लेकिन उसने बचा लिया। खैर वो मेरी सफेद सलवार की मुझे इस्त्री कर दीजिएगा, कल वही पहन लूंगा। फिर वही सफेद सलवार कमीज बेटा, उसके दामन के पीछे सुराख हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे। अभी याद आया मुझे, टीचर का फोन आया था, मेरी फर्स्ट पोजीशन बन रही है, परसों रिजल्ट आ रहा है। सच? अल्लाह मेरे बच्चे को और कामयाब करे। देखा कैसे मेरे कुर्ते के सुराखों को लम्हे भर में भूल गए। सीने पे तमगे सजे होना अम्मा तो लिबास के पैबंद कीमती दिखने लगते हैं। बस दुआ करो कि तुम्हारा बेटा इतना मुअज्जज़ हो जाए कि उसके लिबास के सुराख नहीं बल्कि उसकी काबिलियत नजर आए लोगों को। मेरा बेटा आलिम फाजिल होंगे। आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो तुम्हारी कामयाबी में बहुत खुश होते। अब चाय पिला दो। आज मेरी बेटी का रुख्सती का दिन है, अल्लाह पाक बहुत मुबारक करे। हर आने वाला दिन ईद हो और हर रात चांद रात हो, कभी कोई गम तुम्हें छूके ना गुजरे, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, अल्लाह ढेर सारी खुशियां दे।
ऐसे मौके पे रोते नहीं है बेटा, मुस्कुराते खुश होते। हाँ बहुत याद आ रही है खाला, अगर वो आज यहाँ होती मेरे साथ तो मैं खुद को यूं तन्हा और बेबस तो ना महसूस करती। ये देखे मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, मैं कैसे तैयार होंगी, कैसे दुल्हन बनूंगी, यहाँ तो किसी को परवाह नहीं है मेरी। मैं जानती हूँ कि अल्तमश ने मेरे लिए बहुत कुछ सोच के रखा होगा, बहुत कुछ करके रखा होगा, पर मैं अपने बाबा के घर से ऐसे रुखसत हो जाऊंगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था पाला। बाबा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं मुझे, उनका दिल मुझसे इतना इतना सख्त कैसे हो सकता है खाला। राशिदा बीबी, रुतबा बीबी के लिए पॉलर वाली आ गई है और कैमरा वाला भी आ रहा है। बड़े साहब ने कहा है सारी जिम्मेदारी आपकी है, कहीं कोई कोताही ना हो जाए। भाई साहब से कहना कि मैं रुतबा बेटी के साथ ही हूँ रुखसती के वक्त तक, वो परेशान ना हो। मैंने खुद तुम्हारे सामने तफसीलन भाई साहब को सारी बात बताई थी, ये हो ही नहीं सकता कि रुतबा हवेली से कागजात या जेवरात लेकर निकल सके। लेकिन रुतबा ने तो अभी तक ऐसी कोई बात भी नहीं बताई अल्तमश को, अगर ऐसा कुछ भी होता वो पकड़ी गई होती तो अल्तमश से इस बात का जिक्र जरूर करती। कॉन्टैक्ट करने के भी बहुत तरीके हैं उसके पास, पहले भी कई दफा कर चुकी है। मामला है तो बहुत उलझा हुआ, भाई साहब अल्तमश की इतनी बड़ी हरकत कैसे बर्दाश्त कर सकते, और अगर रुतबा को रंगे हाथ पकड़ा है तो अभी तक तो तूफान खड़ा कर दिया होता। हो सकता है मामू ने उसे मारा पीटा, ज्वेलरी और कागजात तो वापस ले लिया हो लेकिन बदनामी के डर से बात को छुपा दिया। एक काम करो, तुम दोनों अभी रुतबा की तरफ जाओ और रुतबा को जाके यकीन दिलाओ कि शादी में शिरकत तुम दोनों उसकी तरफ से करोगे, अल्तमश की तरफ से नहीं। बारात मैं लेकर आऊंगी सनोबराबा के साथ। इससे क्या होगा? होगा इसका, बातों बातों में रुतबा से मालूम करो कि वो जेवरात और कागजात लेकर आई है कि नहीं आई। अगर नहीं लाई तो मैं वक्त पे अल्तमश को बताना होगा, मुझे यकीन है वो बारात वापस ले जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अब जानती नहीं अल्तमश को सांस नहीं ले सकता वो रुतबा के बगैर, कभी भी नहीं जाएगा उसको लिए बगैर वापस। इसका तुम नहीं जानती हो अल्तमश को, अल्तमश जैसे मर्द अपनी तजलील कभी बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हें जो मैं कह रही हूँ ना तुम वो करो, जाओ जाके तैयार हो। पता नहीं अब क्या करने वाली हैं आप दोनों, मुझे समझ नहीं आ रहा आप दोनों को इस रिश्ते से मसला क्यों है। चलो भैया आओ जल्दी जल्दी जल्दी, ये सारे टोकरे गाड़ियों में रखवाओ। अरे बाजिल छुआरों वाले टोकरे रखवा दिए हैं कि नहीं? भाई साहब के मेहमानों को छुआरे तो खिलाएंगे हम। वो पहले गाड़ी में रखवा दिए थे, परेशान मत हो। ठीक है, सबको खबर होनी चाहिए कि हम अपनी बहू को रुखसत करवाने के लिए आए। जरा खुद से देख। हाँ, मैं देख लेता। अरे रौनक तुम अब आ रही हो, जाओ जरा जाके अपने भांजे को तो देखो, पता नहीं कौन सी क्रीमें मल रहा है, अब तक उसकी तैयारी नहीं मुकम्मल हुई। क्या बात कर दी आप, आपने उसे किसी क्रीम की क्या जरूरत है भला, चांद है पूरा चांद और आज चमकेगा तो आप देखना पूरी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरा देखो उसको, जैसा कुछ रह ना जाए, सब कुछ देख रही हो ना, आगे इनके सारे टोकरे रखवाना। शाबाश।
माशाल्लाह माशाल्लाह, खाला सद के जाए, खाला वार ही जाए, पूरा चौधरी का चांद लग रहा है मेरा बेटा। अस्कर आपको कहाँ पर है? मेहर अली भाई से बात हुई थी मेरी, बहुत गुस्से में लग रहे थे तो बहुत डर गई, पता नहीं क्या करने का इरादा है रखते हैं वो, इसीलिए उन दोनों को वहाँ भेजा है वहाँ की खबर रखने के लिए। क्या मतलब? रुखसती की तारीख तो मामू ने खुद दी थी ना, तो फिर उससे का मतलब? मुझे तो लगता है अल्तमश कि उनका मकसद भरी महफिल में तुम्हें बेइज्जत करना है। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारी ये शान यान ये मान तुम्हें रास आ जाए, क्योंकि अगर भाई साहब ने सब लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी तो हमारी बरसों की बनाई हुई इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। फाला, मट्टी में कुछ मिलेगा ना तो सिर्फ और सिर्फ मामू का घर होगा। अल्तमश को झुकाने के ख्वाब देखने वाले बुरी तरह से नाकाम होंगे। आप देखना, सब कुछ लेकर आऊंगा मैं मामू की मुट्ठी खुलवा के। रुतबा भी मामू की सारी जायदाद, कल का सूरज बताएगा कि सारी जायदाद का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्तमश है। रुतबा तो तुम्हारी है ही अल्तमश, लेकिन बाकी सब चीजों पे से तुम अपना हाथ उठा लो, क्योंकि भाई साहब को गुस्सा बता रहा है कि वो क्या करने वाले हैं। खैर, अभी अस्का या आरफा की कॉल आई जाएगी, वहां की खबर भी मिल जाएगी। ये खाला भांजे के क्या मजाक रात चल रहे हैं, मेहमान आ गए हैं, वक्त निकला जा रहा है, जल्दी चलो। माँ से कॉल तो आने दे माँ जी, पता तो चले कि मामू क्या इरादे बांधे बैठे। अगर मामू ने सबके सामने हमारी बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं उन्हें बताऊंगा कि बेइज्जती होती क्या है। जी जी वकील साहब, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, सब कुछ ट्रांसफ़र करना है लेकिन सिर्फ रुतबा के नाम। इस वक्त मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, ऐसा करते हैं कल मिल लेते हैं, मैं आपको बुलवा लेता हूँ कल। शुक्रिया। अब खालू, सारे मेहमान बाहर आ गए हैं और इंतज़ामात भी पूरे हैं, मेरा ख्याल है आप एक नज़र देख लीजिए। सुनो खुर्शीद जी, रुतबा के जाने के बाद मैं इस घर में बिल्कुल तनहा रह जाऊंगा, तुम ऐसा करो रशीदा के साथ आके इस घर में मेरे साथ रह लो, मेरे बेटे की तरह। खालू, मैं इस काबिल नहीं हूं, और वैसे भी इन बुलंद दीवारों के बजाय मैं आपके दिल में रहने की ख्वाहिश रखता हूं। दिल में तुम्हारी मोहब्बत एक बेटे की मोहब्बत की तरह मौजूद है खुर्शीद, तुम्हें इसमें शक है? नहीं, मैं बाप की तरह चाहता हूं तुम्हें खुर्शीद, तुमने हक अदा किया है मोहब्बतों का, जिम्मेदारियों का। बारात आने वाली है खुर्शीद, मेरा ख्याल है मैं रुतबा से मिल लेता हूं, वो चली जाएगी तो जिंदगी की शक्ल अजनबी लगेगी, आखिरी बार जिंदगी से अपनाइयत से मिल लेना अच्छा लगेगा मुझे। खालू, वो हवेली पे उस दिन जो कुछ हुआ था वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। खुर्शीद, रुतबा की रुखसती तक रुक जाओ। लेकिन खालू, वो जिंदगी के माने साथ ले जा रही है, फिर जमीन जायदाद की फिक्र क्या करनी है, यूं भी सब कुछ उसी का तो है। जी। जरूरी सिर्फ मेरा और अल्तमश का मिलना है, देखो ना कि सब कुछ कितना हसीन है, कितना खूबसूरत, पर फिर भी नामुकम्मल।
ये सब मुकम्मल तभी होगा जब मैं और अल्तमश मिलेंगे। मेरी हर नादानी, हर गलती के लिए आई एम सॉरी बाबा, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। बेटा, सारी मोहब्बत, इत्मीनान, एतबार सबको माफ कर दिया मैंने तुम्हें। मुजरिम सही पर कातिल तो नहीं हूं। आपने जो सजा मेरे लिए मुकर्रर की है उसे हंस के कबूल कर तो रही हूं। बाबा मैं जा रही हूं यहां से हमेशा के लिए। उसके बदले में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआएं। दुआ का मतलब बेटी, तुम्हारे बाप के हाथों में दुआओं के लिए उठने की हिम्मत और होंठों में हिलने की सख्त बाकी रहे। और तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। बाबा खुदा क्या कह रहे हैं खालू? ऐसा कैसे कर सकती है रुतबा? रुतबा इस वक्त एक ऐसी कठपुतली की मानिंद है जिसकी तमाम डोरियां अल्तमश की उंगलियों से लिपटी हुई हैं। बिना मुराद नाम निहाद और बनावटी मोहब्बत भी जहर की तरह होती है। रगों में फैल जाए तो अपना खून गदार हो जाता है, धोखा दे जाता है। आप फिक्र ना करें खालू, आपके कमरे से रुतबा आपकी इजाजत के बगैर एक भी चीज नहीं ले जा सकेगी। मेरी बात गौर से सुनो, रुतबा मेरे कमरे से जो कुछ ले जाना चाहती है उसे ले जाने देना। तुम सिर्फ देखोगे, रोकोगे नहीं, मुदाखलत नहीं करोगे। खालू, कमरे में प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और खाला के जेवर। मेरी प्रॉपर्टी क्या है सोचता हूँ तो जहन में सिर्फ रुतबा ही आती है। और तुम्हारी खाला का जेवर वो भी रुतबा का ही तो है। बस वो बागी है और नाफरमान है, लेकिन मेरे सीने में दिल धड़कता है। तुम शायद इस वक्त ये बात ना समझ सको। साहिब औलाद हो जाओगे समझ आ जाएगी। लेकिन खालू, अगर रुतबा की खुशी ये सब कुछ साथ ले जाने में है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। ठीक है, जैसा कहते हो।
अल्तमश चलो बेटा, देर हो रही है, इधर हमारे मेहमान भी परेशान है, उधर भाई साहब इंतजार कर रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अब जो भी सिचुएशन होगी वहां जाके फेस करेंगे। मेहर अली खान गुस्सा करें या बर्दाश्त हमें क्या, हमें तो हमारा मकसद हासिल हो गया ना, अब रुतबा भी हमारी है और कागजात भी। कागजात की बात ना करें बाजल भाई, कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। रुतबा ने अगर अल्तमश की बात का पास ना रखा तो इसके पास क्या रह जाएगा, फिर बेहतर ही है ना कि लड़की फिलहाल अपने बाप के घर ही रहे। क्या बात कर रही हो रौनक, तुम्हारे मुंह में खाक, ये शादी की इतनी तैयारी हो, खर्चे के बाद लड़की को हम वही छोड़ा है, तो हमें क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती और क्या। मेहर अली भाई के लिए क्या बड़ी बात है, वो तो किसी की भी बेइज्जती कर देते भरी महफिल में, इज्जत उछाल देंगे। जाने देना खाला, बूढ़ा शेर सिर्फ और सिर्फ चिड़ियाघर में रखने के लायक होता है। मारी चले, मामू को बताते हैं कि भरी महफिल में दामाद की इज्जत कैसे की जाती है। जो चाहा वो हासिल कर लिया। खुशी का मौका है तमश, पाने और खोने का हिसाब किसी और को कर ले। डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी कहाँ हैं? मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारी रुखसती से पहले सेफली अल्तमश और सनोबर खाला तक पहुंचा दूं। बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल जरूरी नहीं, जरूरी सिर्फ मेरा और अल्तमश का मिलना है। देखो ना कि सब कुछ कितना हसीन है, कितना खूबसूरत, पर फिर भी नामुकम्मल। ये सब मुकम्मल तभी होगा जब मैं और अल्तमश मिलेंगे। तुम्हें रोमांस की सोच रही है, बाहर सबकी जान और अना पे बनी हुई है। मगर क्यों, रुपया पैसा दौलत जायदाद जमीन ये सब कहाँ भागा जा रहा है? ये सब कुछ मेरा और अल्तमश का ही तो है। आज बाबा नाराज हैं पर मान ही जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। बाहर में गया तुम्हारा यकीन? अभी जो मैं कह रही हूँ मुझे दे दो, उससे पहले कि कोई आ जाए। रुतबा, तुम सब कुछ लाई तो हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं लाई, मुझे ये ठीक नहीं लगा। वो सब कुछ बाबा की मिल्कियत है, मेरा खुद पे इख्तियार था तो मैंने खुद को अल्तमश के निकाह में दे दिया, पर वो सब कुछ तो बाबा का है ना। मैं बाबा को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती, इस पे मेरा कोई इख्तियार नहीं। शाबाश रुतबा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुमने अल्तमश से पहले अपने बाबा के बारे में सोचा,
हर अच्छी बेटी को ऐसा ही करना चाहिए। सॉरी फॉर यू। बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए अल्तमश, बहुत गलत हो गया है तुम्हारे साथ। रुतबा ने धोखा दे ही दिया ना। ऐसा क्या किया रुतबा ने? मामूजान को सब बता दिया उसने। क्या वो हवेली से खाली हाथ वापस आई है? उसका कहना है कि वो इतनी बेवकूफ नहीं कि अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करा के तुम पे डिपेंडेंट हो जाए। वो कह रही थी कि जब तक प्रॉपर्टी मेरे नाम रहेगी तब तक अल्तमश मेरा गुलाम बन के रहेगा, लेकिन अगर अल्तमश के नाम पे हो गई तो फिर मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। खाली हाथ वापस आ रही है। क्या कह रही हो तुम? रुतबा वाले ऐसे क्यों कहेगी? अल्तमश, मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ वाकई धोखा हुआ है। मेहर अली भाई ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला है। रुतबा कुछ भी नहीं ला रही, ना जायदाद के कागजात ना ही जेवरात। आज तुम्हारे साथ यहाँ से रुतबा मेहर अली रुखसत होके नहीं जाएगी, एक मामूली आम लड़की रुखसत होके जाएगी। रुतबा ऐसे कैसे कर सकती है? उसने ऐसा किया है क्योंकि वो ऐसी है। पता नहीं तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि रुतबा एक बहुत खुदगर्ज, बहुत सेल्फिश लड़की है। अरे वो प्रॉपर्टी उसका हथियार है जिसे उसने सारी जिंदगी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करके तुम्हें अपना गुलाम बना के रखना है। अगर उसने तुम्हारे नाम कर दिया तो उसे तुम्हारी नौकरानी बन के रहना पड़ेगा ना। मुझे समझ नहीं आता तुम कैसे कैसे धोखेबाज लड़की के साथ शादी करके अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारोगे। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख देती। रुतबा आ गई। सबसे खूबसूरत लम्हा है। जेवरात और कागजात कहां पर है रुतबा? अल्तमश, ये मौका इन बातों का तो नहीं। इंतजार करो, मैं बता दूंगी ना।
माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो तो ना जीतर। रुतबा तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कागजात और जेवरात हमने साथ लाई हो या नहीं लाई? प्लीज पापा ने जो किया सो किया, तुम तो मेरी मोहब्बत की ऐसे इंसल्ट मत कर। तुम तो मेरी मोहब्बत का भरम रखो। जो मैंने तुमसे पूछा उस बात का जवाब दो। तुमने मेरी बात मानी है या नहीं मानी? वो चीजें साथ लाई हो या नहीं लाई? नहीं, मैं कुछ भी नहीं लाई। वो चीजें बाबा की हैं, बाबा के पास ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब है कि इसका सही करी थी। रुतबा तुमने मेरी मोहब्बत को मेरी नजरों के सामने गिरा दिया। क्या बात है अल्तमश? कोई मसला है? मुझसे बात करो। क्या हो गया अल्तमश बेटा? ये मौका मेहर अली भाई की इज्जत का है। देखो कोई भी ऐसी हरकत मत करना कि भाई साहब की इज्जत याना को ठेस पहुंचे। वो बड़े हैं तुमसे, तुम छोटे हो। तो मामू हो गए अपने मकसद में कामयाब आप? इसको मेरे खिलाफ कर दिया, लेकिन आप और खुशीद मिलकर भी ना मुझे झुका नहीं सकते। मैंने हमेशा वही किया अल्तमश जो मेरी बेटी की मफाद और बेहतरी में है। ठीक है, तो मैं भी वही करूंगा जो मुझे ठीक लगे। अपनी अना और तस्कीन की खातिर आपने वो किया ना जो आपको पसंद है, तो मैं भी वही करूंगा जो मुझे पसंद है। ऐसा जख्म दूंगा कि उम्र भर भूल नहीं सकेंगे आप। बकवास बंद करो बेहुदा इंसान। तुम इस काबिल नहीं कि मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं, उसके बावजूद उसको तुम्हारे हवाले कर दिया। भाई साहब, मेरा बेटा आपकी बेटी को ब्याहने आया और आप उसी को बेइज्जत कर रहे हैं। रौनक बिल्कुल ठीक कहती है कि भाई साहब का तो काम ही है भरी महफिल में लोगों की इज्जत उछाल रहा। क्या मजाक बना रखा है तुम लोगों ने? खत्म करिए तमाशा। ठीक है मामू, फिर खत्म कर देते हैं ना। आप भी कान खोल के सुन ले, मैं रुतबा को तलाक दे रहा नहीं कर सकते। रुतबा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। Thank you so much. Ask him, Joe.